आप कितने साल से यहाँ पे खाना बनाने काम कर रहे हैं? मैं 5-10 साल से मैं चली हुई है। कितना पैसा मिल रहा था पहले शुरू में? हमें 500 मिल रहा था। और अब सब फैमिली हमें 1000 अब 1500 में रहने लगे। तो घर चल जाता है 1500 में? घर नहीं चलता है। दूसरा क्या काम है आपके यहाँ? दूसरा काम क्या है कि काम कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, कोई कराने मजदूरी अभी तो सारे दिन बेलो जाता और बाद में है खाए गए सब अपने जो छिड़िया पकड़ के ढीली बस का काम कर कुछ पूछते नहीं है के बाद। तो फिर इसके बाद आप कहीं काम नहीं कर पाते? काम नहीं कर पा रहे। तो कितने टाइम आपके यहाँ लगता है? हमें तो 3 बज जाएंगे 4 बज जाएंगे इतने टाइम नहीं हो जाता और ना कोई मजदूरी करा और ना कोई कैसे का एक दिन हमारी फसल मिल जाएगी ये तो कोई मैं पूछत नहीं है। महोबा जिले के ब्यारसी जैतपुर के अंतर्गत आने वाला बिहार गांव है ये। यहाँ पे हम आए हैं महिलाएं जो छोटे पद पे होती हैं, छोटा काम करती हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं रसोइयों की जो स्कूलों में खाना बनाती हैं और सिर्फ 50 रुपए वो दिन भर में पाती हैं। उनका पूरा दिन स्कूल में चला जाता है और उसके बाद उनको सारे दिन की मजदूरी जो मिलती है वो 50 रुपए होती है। इतनी महंगाई का टाइम है, इतना हर चीज़ महंगा है, उसके बाद वो 50 रुपए में किस तरह से अपना घर चलाएंगी, क्या उसमें ला पाएंगी सब्जी भर को, वो पैसा पूरा नहीं होता। तो हमने जब इन रसोइयों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें सरकारी किया जाए, यानी कि हमें परमानेंट किया जाए और हमें हमारी वेतन बढ़ाई जाए और हमें 12 महीने की वेतन मिलनी चाहिए, जैसे कि हर सरकारी आदमियों को हर कर्मचारियों को 12 महीने का वेतन मिलता है। 1500 में क्या होता है आप ये बताइए? अगर रोज की मजदूरी के हिसाब से दें तो भैया 100 रुपये रोज में तो हमारा 3000 पर है, 1500 में हमको का होता है। कितने साल से आप कर रही हैं काम? कम से कम हो गए हमें 15 साल। कितनी रसोइयाँ हैं? 4। कितने बच्चों का खाना बनाते हैं आप लोग? बच्चों को बनता है 350-300 का। कितने घंटे आपकी ड्यूटी होती है? हमारी होती है 9:30 से और समझ लो 3 बजे तक, 3:30। अभी 3 भी बज जाता, हमने देखो हमारा पूरा दिन बर्बाद होता है। हमारा सबसे पहले पैसा की चुनाई होना चाहिए बेटा, पैसा मिलना चाहिए। और हमें सरकार मतलब ये नहीं है कि हमें कोई हटाए ना, जब हमारी ज़िंदगी बीत गई 15 साल हो गए तो हमें कोई हटा भी ना सके, ऐसा करना चाहिए मतलब सरकार को कि हमें हम हट भी जाएं तो हमें बाद में पेंशन मिलना चाहिए। जैसे आगे अगला प्रधान बनेगा वो सोचेगा कि हम अपनी पार्टी के खाना रसोई कार्यकर्ता को लगाएं इसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।